हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो इंडियन 2 का ट्रेलर दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले रिलीज हुआ है। 2 मिनट 38 सेकंड का ये ट्रेलर है और भाई नजर हटने का नाम नहीं ले रही थी। 2 घंटे 38 मिनट का ये ट्रेलर, ऐसा लग रहा था कि थोड़ा सा और बढ़ जाए। मतलब भाई पूरा का पूरा ट्रेलर दोस्तों जबरदस्त है। इतनी बारीकियों में जाने के बाद भी मैं कहानी को समझ नहीं पाया। अंदर सिद्धार्थ हैं, कमल हसन है, रकुल प्रीत है और भाई मैं डायरेक्टर साहब के बारे में कितनी तारीफ करूं उतनी कम होगी। शंकर का दोस्तों यहां पे वही टेस्ट जो उनका हर मूवी में दिखता है। रोबोट देख लो या फिर आई देख लो या इंडियन फर्स्ट मूवी देख लो, भाई उनकी जितनी भी नायक देख लो, उनकी जितनी भी मूवी होती है पॉलिटिकल इशू दोस्तों मूवी के अंदर या कोई ऐसा तगड़ा इशू जरूर होता है शंकर की मूवी में जो देखने लायक होता है। मूवी भाई देखने लायक है, लिटरली कह रहा हूं। मूवी अगर आपने नहीं देखी ना, एक बहुत बड़ा एंटरटेनमेंट चीज आप मिस कर जाओगे। लिटरली सीरियसली मूवी का ट्रेलर दोस्तों बहुत उम्दा है। आप कमल हसन साहब के रूप देखो यार, इस उम्र में इस तरीके के रोल करना अपने आप में बहुत बड़ी मुशक्कत है, बहुत बड़ी बात है। ट्रेलर भाई एक मिनट के लिए भी आप, एक मिनट छोड़ो एक सेकंड के लिए भी आप लोगों की नज़र को हटने ही नहीं देगा। म्यूजिक देखो आप, अनिरुद्ध का म्यूजिक है, क्या गजब, क्या क्या उम्दा, क्या हटो बच्चो लेवल का म्यूजिक है। सुपर भी यार, फैंटास्टिक। शंकर साहब ने यहाँ पे अपने आप को फिर से साबित कर दिया कि मैं एटली का गुरु हूँ। भाई एटली के गुरु है ये शंकर, जिन्होंने मूवी को डायरेक्ट किया है। लिटरली रकुल प्रीत इस मूवी से आप देखना, सिद्धार्थ को देखना, सिद्धार्थ कितने सालों से काम कर रहे हैं, रंग दे बसंती में पहली बार आए थे आमिर खान के साथ में, और अब इस मूवी से देखना उनका करियर कितना लंबा चौड़ा जाने वाला है। कमल हसन साहब के दोस्तों आप एक्टिंग स्किल्स देखो। और भाई एक सीन तो मुझे इतना ज़बरदस्त लगा, जिस कमरे में एक ऑफिस है जिसमें सिद्धार्थ बैठे हैं और इतनी सारी बंदूकें, एक पता नहीं क्या है वो, किस तरीके से क्या एनिमेशन है, क्या है मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि मैंने अभी एक ही बार देखा है ट्रेलर। लेकिन भाई ट्रेलर को देख के ना इसके बारे में अंदर से बात करने का दिल करने लगा। लिटरली बहुत उम्दा ट्रेलर काटा है और क्या मूवी होने वाली है। आप यार कैमरा एंगल देखो, किस तरीके से शंकर ने कैमरा एंगल को घुमाया है भाई साहब, क्या ड्रोन कैमरा है, क्या कलर ग्रेडिंग है, आई एम शॉक्ड यार, हिला दिया भाई, हिला दिया। मेरी नज़र में दोस्तों इस साल का ये बेस्ट ट्रेलर है। मुझे कल्कि का भी ट्रेलर इसके आगे फीका लग रहा है। भाई क्या ट्रेलर है, लिटरली कह रहा हूँ। कमल हसन साहब के क्या यहाँ पे अलग ही अलग फ्लेवर में देखने को मिल रहे हैं, कभी लंबे बाल, कभी छोटे बाल, कभी चुप कर रहे हैं, कभी लेटे हुए, कभी वो कर्नाटक एक्शन कर रहे हैं, क्या यहाँ पे भाई निकाल के दिया है ये मूवी दोस्तों। मैं लिटरली कह रहा हूँ इंडियन फर्स्ट जो आई थी वो 1995-96 आई थी, लेकिन ये मूवी आराम से 1000 करोड़ का एक ग्रैप्स है, ये एक अंगूर है, ये 1000 करोड़ का अंगूर है, ये इसको हर कोई चखेगा मैं कह रहा हूँ। और ये दोस्तों अभी हाल फिलहाल में ही मूवी रिलीज होने वाली है, ज़्यादा टाइम नहीं है, जुलाई में ही है। और लिटरली कह रहा हूँ मूवी का दोस्तों कॉन्सेप्ट बहुत ज़बरदस्त है, हर किसी को पसंद आने वाला है। ये हर एक भारतीय के लिए नहीं बल्कि हर एक वर्ल्ड में रहने वाले पर्सन के लिए है ये मूवी। और ये मूवी दोस्तों बहुत ज़बरदस्त लेवल पर जाने वाली है। इस साल की मैं कहता हूँ कि टॉप 5 में इस मूवी का नाम भी आराम से आ सकता है। तो फिलहाल अगर आपने ट्रेलर देखा तो नीचे कॉमेंट मुझे ज़रूर बताना। तो मिलता हूँ आपसे अगले किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।